अगर आप टेक की खबरों में इंटरेस्टेड हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक वर्ल्ड की 10 बड़ी अपडेट्स। डेल के गेमिंग लैपटॉप से लेकर वीवो की T2 सीरीज तक बहुत कुछ हुआ खास। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया, आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। लेट्स डाइव इन। Xiaomi ने अपने स्मार्टर लिविंग 2023 इवेंट में प्रोडक्ट्स की नई रेंज पेश की है। इनमें Xiaomi स्मार्ट टीवी एक्स प्रो सीरीज एयर प्यूरिफायर 4 शामिल है। टीवी एक्स प्रो सीरीज Xiaomi का पहला स्मार्ट टीवी है जो गूगल टीवी को सपोर्ट करता है। वहीं स्मार्ट एयर प्यूरिफायर 4 कुल 463 स्क्वायर फीट के एरिया की एयर को प्योर करता है। इसे फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। Xiaomi ने स्मार्टर लिविंग 2023 इवेंट में रोबोट वैक्यूम मॉप 2 आई और बियर ट्रिमर 2 सी भी लॉन्च किए हैं। इस वैक्यूम में 450 मिलीलीटर डस्ट कम्पार्ट हो सकता है और 270 मिलीलीटर पानी भरा जा सकता है। वहीं ट्रिमर 2 सी में 90 मिनट का रन टाइम मिलता है, जिसके साथ मल्टीपल अटैचमेंट्स भी दिए गए हैं। Realme ने इंडियन मार्केट में Narzo N55 लॉन्च कर दिया है। इसे दो वेरिएंट में उतारा गया है। दोनों में 64 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी मिलती है। MediaTek Helio G88 प्रोसेसर दिया गया है। ये दो प्राइम ब्लू और प्राइम ब्लैक कलर ऑप्शंस में आते हैं। 4GB वेरिएंट वाले की कीमत 10,999 रुपए है, वहीं 6GB वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपए है। डेल ने Alienware और Inspiron सीरीज के 4 नए लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं। इनमें Alienware M18 X16 और Inspiron 16 और 16 2-in-1 शामिल हैं। ये सभी लैपटॉप्स 13th जनरेशन इंटेल को प्रोसेसर से लेस हैं। इसकी शुरुआती कीमत 96,490 रुपए है। वीवो ने इंडियन मार्केट में T2 5G सीरीज लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन्स हैं, वीवो T2 और वीवो T2X। Vivo T2 में मिलता है Snapdragon 695 5G प्रोसेसर, वहीं T2X में मिलता है MediaTek Dimensity 6020 5G चिपसेट। दोनों ही फोन Android 13 पर बेस्ड हैं। WhatsApp लाया यूजर्स के लिए खास फीचर। इस फीचर का नाम कंपेनियन मोड है। अब एक ही नंबर से 4 अलग अलग स्मार्टफोन्स पर WhatsApp अकाउंट चला सकते हैं। फिलहाल ये फीचर बीटा टेस्टर के लिए रोल आउट किया गया है। Firebolt ने लॉन्च की रॉक स्मार्ट वॉच। इसमें 1.3 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है, जिसकी 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसमें 110 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स मिलते हैं। वहीं हेल्थ के लिए मिलते हैं SP02 ट्रैकर, स्लीप साइकिल मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर जैसे शानदार फीचर्स। इसकी कीमत है 2,799 रुपए। फास्ट्रैक ने भी इंडियन मार्केट में लॉन्च की FS1 स्मार्ट वॉच। इसमें 1.95 हॉरिजन कर्व डिस्प्ले, ATS चिपसेट और ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट मिलता है। साथ ही इस वॉच में इनबिल्ट एलेक्सा, 100 से ज्यादा स्पोर्ट मोड्स, ऑटो स्ट्रेस मॉनिटर, SP02 और स्लीप मॉनिटर जैसे कंट्रोल मिलते हैं। IP68 वाटर रेसिस्टेंट वाली इस वॉच की कीमत है 1,995 रुपए। ट्विटर से लेगेसी ब्लूटिक हटाने की फाइनल डेट सामने आ गई है। एलन मस्क ने एक बार फिर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मस्क ने ट्वीट किया कि 20 अप्रैल से लेगेसी अकाउंट से ब्लूटिक हट जाएंगे, मतलब जिन यूजर्स ने पुराने प्रोसेस से ब्लूटिक लिया था उनके ब्लूटिक हट जाएंगे। जो यूजर ट्विटर का ब्लूटिक सब्सक्रिप्शन लेगा, सिर्फ उनके ही अकाउंट में ब्लू वेरिफिकेशन मार्क मिलेगा। YouTube यूजर्स के लिए आया Spotify जैसा नया फीचर। इस फीचर का नाम रियल टाइम लिरिक्स है। अब यूजर्स को YouTube म्यूजिक में सॉन्ग सुनते वक्त लिरिक्स भी नजर आएंगी, साथ ही YouTube एल्बम क्रेडिट भी देगा। इसे Android और iOS यूजर्स दोनों के लिए जारी किया गया है। तो ये थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।